दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट रवा उपमा, जो बेहद ही आसान और स्वादिष्ट होता है। आज हम इसकी नई रेसिपी जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। सबसे पहले हम 4 से 5 हरी मिर्च बारीक काट लेंगे, उसके 1 प्याज भी बारीक काट लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी कटे हुए धनिया के पत्ते, थोड़ी सी कढ़ी पत्ता और राई, और आखिर में 100 ग्राम रवा। अब हम गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रख देंगे। उसके बाद कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। अब हम रवा इस तेल में भून लेंगे। याद रखें कि रवा सुनहरा होने तक उसे भूनते रहे। दोस्तों, हमारा रवा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें राई डालेंगे। उसके बाद कढ़ी पत्ते, उसके बाद प्याज, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कटी हुई मिर्च डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम कढ़ाई में 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। दोस्तों, अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब आपको याद रखना है कि पानी अच्छे तरह से उबल जाए। पानी उबलने लगा है, अब हम बुना हुआ रवा कढ़ाई में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर से कटी हुई धनिया डालेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। जब तक रवा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे मिक्स करते रहे। दोस्तों, तैयार है हमारा स्वादिष्ट रवा उपमा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।